हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस, स्टंबल गाइस का न्यू 0.59 का बीटा हमें मिल चुका है और मैं आपको बताता हूँ क्या नई नई चीजें इसमें आने वाली है। तो वीडियो चालू होने से पहले लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब गाइस, सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलने वाली है वो है न्यू सेटिंग्स और UI। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे आपको फोन में बहुत सारी नई सेटिंग्स देखने को मिलेगी। ये PC है इसलिए इसमें नहीं दिख रही, लेकिन फोन में ग्राफिक्स क्वालिटी और बहुत सारी चीजों की सेटिंग आ चुकी है और UI भी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट गाइस, देखते हैं हमारी न्यू स्किन्स जो आने वाली है। तो चलते हैं सबसे पहले स्पेशल स्किन्स की तरफ, लेकिन स्पेशल स्किन्स में मुझे कुछ भी नया ही नहीं दिखा। मिथिक में नया आया है, चालू करते हैं स्टर्की गाय से। ये टर्की नहीं है, ये स्टर्की गाय है। पीछे इसके एक नाइफ घूम रहा है जो कि नाइफ हिट लेवल आपने खेला होगा तो उसमें रहता है अलग अलग गेम्स में, और इसके पीछे पूंछ में आग लगी हुई थी चारमेंडर की तरह। फिर फ्लाइंग डचमैन आ चुका है हमारा, जो कि पता नहीं कहां से उठाया है, मुझे तो समझ नहीं आया। लेजेंडरी में चलते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा एक बोगी जो कि पता नहीं क्या है, कुछ माइनिंग टाइप का लग रहा है। गिली आया है, गिली सूट आप सबको पता होगा अगर आप पबजी खेलते हो तो। गिली सूट डिमर में है कि ये स्नाइपर है गाइस, इसने अपने आगे जो टेलीस्कोप लगाया है इससे इसको दिखेगा। एक बड़ा एक छोटा क्यों है पता नहीं। किलर वेल आया है जो कि हमारी एनिमल स्पेशल स्किन होगी। काइजू है जो कि डायनासोर लग रहा है, जो डायनासोर वाला थीम आया था शायद उसी में जोड़ देंगे। मैकेंजी, ये एक रोबोट है गाइस, फीमेल रोबोट ही है लेकिन ये कहाँ से आई है पता नहीं, शायद से बाहर से आई है। लामा है जो कि एक और एनिमल बेस्ड स्किन है। फिर नेक्स्ट हमारा वर्चुअल राइली जो कि वर्चुअल में है, मतलब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कर दिया। इसके हाथ भी आप देखोगे ना तो अलग लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट गाइस पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न गिर रहे हैं, इसमें तो कुछ खास है नहीं, पीछे भी देख लेते हैं। फिर मन्ने की निको, ये बिल्ली मैंने पता है डोरेमोन के एक एपिसोड में देखी है जिसमें ये ऐसे हाथ करके ना कस्टमर्स को बुलाते, शायद वो वाला टॉय कुछ रहता है, वैसी लग रही है। पोकी स्टेबिन्स तो अपना एक नॉर्मल सा कैक्टस है, बस और कुछ नहीं है। क्रैबी पैटी, ये आपने कहीं सुना होगा, स्पॉन्ज बॉब में मैंने देखा है कि क्रैबी पैटी खाते हैं, तो हो सकता है स्पॉन्ज बॉब रिलेटेड कुछ तो आने वाला है। फिर चलते गाइस एपिक की तरफ। तो एपिक में मास्टर स्लो करके आया है, ये कुछ निंजा टाइप में लग रहा है लेकिन ये स्लो एक जानवर ही है। फिर एबडक्टेड गर्ल जो कि हमारे एबडक्टेड मैप्स आते हैं उसके लिए आई होगी, और एक एबडक्टेड गाय भी है। तो ये हो चुका है कि एबडक्ट तो सब हो चुके हैं, किडनैप हो चुके हैं, तो एलियन दो लोग बन चुके हैं। फिर कॉर्न में अपना नॉर्मल भुट्टा ही है जो कि बनाना गाय जैसा ही लग रहा है। आगे चलते गाइस रेयर और बाकी कैटेगरी में कुछ नहीं है। इमोट्स में दो नए इमोट आए हैं, वो भी स्पेशल। तो पहला है इसमें कराटे चॉप गाइस, जो कि कहीं तो देखा है मैंने ये कराटे चॉप। और स्पेटुला स्लैब, तो फिर से मुझे वो स्पेटुला लग रहा है जो कि स्पॉन्ज बॉब में रहता है। फिर नंचक्स आई है। अब देखो आपको इसमें ना टॉन्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, पहले स्पेशल में टॉन्ट्स नहीं आते थे तो सबसे पहले आए हैं ये। तो पहला है नंचक्स जो कि नंचक को घुमा रहा है, स्केटबोर्ड किक फ्लिप है ये, स्केटबोर्ड के कुछ स्टंट्स हो रहे हैं। रिपिंग अ फार्ट है, ये पीछे से पाद मार देगा, और भाई इतने अलग अलग कलर की पादें आ रही है। कार्विंग द टर्की है जो कि टर्की कार्व कर रहा है, मतलब कि खाने की तैयारी में है। ऊपर चलते गाइस मिथिक में भी आए हैं, चीयर लीडर आया है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना बहुत खतरनाक है शॉकर, इसमें ऐसा लग रहा है कि करंट लग रहा है और काफ़ी सही लग रहा है ये। फिर कैटरीन डांस ऑफ द डेड है जो कि कैटरीन का है, ये लड़का होगा, और ये कैटरीना डांस ऑफ द डेड जो कि लड़की होगी, कैटरीन और कैटरीना। नेक्स्ट चलते हैं लेजेंडरी। लेजेंडरी में दिवाली डांस आ गया, क्योंकि दिवाली आने वाली गाइस, इसलिए इन लोगों ने इंडियंस को ध्यान में रख के दिवाली डांस ले आए। और इमेजिनेशन जो कि एक पहले भी आया था वैसे कुछ है। फिर थैंक्स गिविंग आने वाला है, हैप्पी दिवाली आने वाली है, कैक्टस क्राइंग मेरे को पता नहीं मैंने पहले देखा है कि नहीं, लेकिन ये भी नया ही है। उसके बाद चलते हैं एनिमेशंस की तरफ। एनिमेशन में मुझे एक नया दिखा था, जैसे कि ये तो देख लिया था जेली फिशिंग। हाँ, ये जेली फिशिंग भी पानी के अंदर का ही है भाई, बहुत ज़्यादा चांस मुझे लग रहे हैं स्पॉन्जबॉब के आने के, ठीक है। ये विक्ट्री है, विक्ट्री डांस ट्वर्ल है, और इसमें भी पानी ही है गाइस, तो मान ही लो। अरे ये लो, अ फ्यू मिनट्स लेटर, ये मीम तो किसने नहीं देखा होगा गाइस, स्पॉन्जबॉब का मीम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अब तो पक्का हो गया स्पॉन्जबॉब आने वाला है। ट्रम्पेट आ चुका है ये, और इसके बाद के तो सब पहले के ही हैं। फिर फुटस्टेप्स में आपको स्पेशल फुटस्टेप्स देखने को मिल रहा है, बबल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं तो इसलिए बबल्स का आएगा। एक मैप भी आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया। फिर क्रैबी पैटी ये भी है, और जेली फिश, ठीक है ये दो हैं। तो दो न्यू मैप आए हैं, एक तो अपना UFOMG है जो कि हम लोग किडनैप हो चुके हैं, आपको अभी तक की स्टोरी तो मालूम है स्टंबल गाइस के सारे स्टंबलर्स, लेकिन अब स्पेस में और किडनैपिंग चल रही है।
तो अब यहीं पे सरवाइव करना है आपको। और ये मैप यार बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे पहली बार में, लेकिन अब मेरे को आ गया है खेलना। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे गिरने से बचना है, ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत ही अलग तरीके का ऑब्स्टेकल है गाइस, कैसे बचेंगे मेरे को तो समझ नहीं आया भाई। लेकिन इसमें दो तरीके के नए हैं, देखो एक तो अपना ग्रीन वाला जो रहता है वो ऊपर खींचता है, और ये ब्लू वाला रहता है जो कि आपको बाहर धक्का मारता है, तो आपको ब्लू वाले से बचना है गाइस। ग्रीन वाले का यूज़ तो सबको मालूम है, लेकिन ब्लू वाला आपको धक्का मार देगा तो आप सीधे नीचे गिर जाओगे। और बाकी ये ऊपर से कुछ पत्थर वत्थर गिर रहे हैं ना, ये भी फट जाते हैं यार, और फट जाते हैं तो हम लोग अंडरग्राउंड ही चल जाते हैं, पता नहीं कैसे कुछ ग्लिच हो जाता है। यही आपको सर्वाइव करना है। एक बंदा कौन बचा है, अरे यार बच गया, रुको ठीक है, एक बॉट और बचा है, पता नहीं कहाँ पे खड़ा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैं ही खड़ा हूँ बीच में, तो कहाँ है यार, ये हवा में उड़ रहा है, ओके दिख गया वहाँ कोने में। ठीक है गाइस, तो थोड़ी देर और सर्वाइव करते हैं और जीतते हैं। यहाँ पे आप फिर से आ सकते हो और ऐसे ये ऊपर की तरफ जंप कर सकते हो क्योंकि ये उल्टा फेंकता है। ये हमने कर दिया गाइस, मेरा फर्स्ट विन था ये वैसे। और फिर फर्स्ट टाइम एक चैलेंज मैप आया गाइस, स्टंबल अप ओनली अप तो आपने सुना ही होगा, तो उसका एक वर्जन आया स्टंबल गाइस में, जिसे कहते हैं स्टंबल अप। अब ये कौन करता है सबसे पहले देखते हैं। लेकिन यार मुझे एक जगह यहाँ पे कुछ दिक्कत लगी अभी मैप में, जो कि मैंने बाकी लोग का भी देखा था, वो भी वहाँ से आके जा नहीं पा रहे थे, पता नहीं वहाँ से आके जाएंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे ओनली अप में ऊपर जाते रहते ना वैसे इसमें भी जाना है, और ये थोड़ा ईजी है वैसे क्योंकि स्टंबल गाइस तो सबको आता ही है और कुछ ज़्यादा कंट्रोल्स है नहीं, लेकिन आगे जाके हो सकता है मुश्किल हो स्पेस में हम लोग जितना ऊपर जाते रहें। अभी आप देखना जैसे मैं थोड़ा ऊपर चल जाऊंगा ना, आपको ये पानी भी नहीं दिखेगा, ये एक लकड़ी है जिसके ऊपर से आपको कूदना पड़ेगा, ये पता नहीं है रस्सी क्यों बंधी है लकड़ी में, अच्छा शायद गिरे नहीं इसलिए बंधी है, ओके। तो ये एक नया ऑब्स्टेकल आ चुका है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर से आपको जाना है। ऊपर आपको टाइमर का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, टाइमर है मतलब स्पीड रन के लिए है, अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, टाइमर से आप देख सकते हो कि आप कब पहुंचे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनते रहेंगे। एक लीव का ऑप्शन दिया है पहली बार, क्योंकि मालूम है लोग लीव कर ही देंगे तो लीव का ऑप्शन दिया है। और इमोट्स है ही नहीं भाई, इमोट्स का कोई यूज ही नहीं है, आपको अपने स्किल के बेसिस पे ही करना पड़ेगा। ये फ्लोर फ्लिप का मैप है, पहले मैं सोच रहा था यार ये बहुत सारे लोग का मैप है, बाद में मेरे को समझ में आया कि ये चैलेंज मैप है, तो ये फ्लोर फ्लिप के भी आपको सारे खुद ही उठाने पड़ेंगे। यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यार ये जो सामने वाले का जो कूदने का दिक्कत है ना, इसमें थोड़ी हाइट है गाइस, समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कूदता हूँ तो आपको बिल्कुल ही परफेक्ट जंप चिरेगी, वरना है ना वो हाइट से आप रह जाओगे। दिखाता हूँ मैं आपको वापस, नीचे आप देख सकते हो कि हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं स्पेस में, फिर ये नए पंखे आपको देखने को मिलेंगे जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्रिएटिव मैप में बनाया है। देखो यहाँ तक तो कोई भी कर लेता है, ये बोल रहा था मैं, ये देखो ये कितना ऊपर नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, इनको थोड़ा यार सुधारना पड़ेगा ये। और यहाँ इससे आगे कोई जा ही नहीं पाया क्योंकि किसी को समझ नहीं आया यहाँ से जाना कैसे, यार मुझे खुद नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मैं जैसे यहाँ से कूदूंगा कोई हमें आगे तो फेंक नहीं रहा, तो कौन खींचेगा भाई, वो हवा तक पहुँचेंगे कैसे, मुझे तो सही में समझ नहीं आया यार, आगे जाना चाहिए। ये मिस्टर बीस वाले मैप में था ना, उसमें आगे जाता था, अभी तो ये जा ही नहीं रहा भाई, तो इसलिए कोई कर ही नहीं पा रहा, और मैं ही हूँ शायद जो कि वापस घूम के यहाँ से आ गया है एक और टर्न के लिए, बाकी सब तो नीचे गिर गए थे। एक बार फिर ट्राई कर लेते हम लोग, ये देखो हम लोग गए यहाँ से, ये कूदा और कोई खींच ही नहीं रहा भाई, वो हवा खींच ही नहीं रही, तो जाएंगे कैसे यार, समझ ही नहीं आ रहा। चलो जान दो लीव करते हैं गाइस, अभी एक और चीज़ दिखाना बाकी रह गया है जो कि है स्पेशल इमोट्स का यूज़, तो हम चलते हैं हमारे व्हील की तरफ और खोलते हैं कुछ नई स्किन्स और स्पेशल इमोट्स। इस बार जो व्हील आई है ना, ये कुछ अलग तरीके की आई है गाइस, दो व्हील आई है, हर बार एक में इमोट्स फुटस्टेप्स रहते थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने दोनों में डाल दिए, ठीक है, तो ये वाले में पता नहीं स्पेशल इमोट्स है कि नहीं, शायद से इसमें नहीं है, शायद से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना सस्ती वाली स्किन से तो इसमें होगा नहीं स्पेशल इमोट्स, ये दूसरी वाली व्हील में होगा, हाँ दिख गया, ठीक है, तो इसमें है गाइस वो स्पेशल इमोट्स, देखते दोनों खुल जाते तो अच्छा ही रहेगा, हमें दोनों का यूज़ देखना है वैसे, और बाकी एक आज स्पेशल स्किन भी खुल जाती है तो और बढ़िया रहेगा। तो स्पेशल स्किन तो खुली नहीं, लेकिन गाइस एटलीस्ट हमें दोनों इमोट मिल चुके हैं, चलो अब इसका यूज़ देखते हैं। तो किस पे ट्राई किया जाए पहले, वैसे तो सारे बॉट ही हैं, अरे यार पढ़ा नहीं, पड़ेगा तो समझ में आएगा, मुझे तो वैसे पंच जैसे लग रहा है, अभी ये तो कुछ और ही था गाइस, ये क्या यार, ये तो ज़्यादा ही हो गया, अरे ये तो सीधा बाहर फेंक रहा है, कहीं भी कोई भी खड़ा है ना सीधा बाहर, इतना लंबा फेंक रहा है यार ये, रुको दूसरा वाला मार के देखता हूँ, दूसरा वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम पावर का होगा, लेकिन पड़ नहीं रहा, एक तो यार मैंने नंबर पैड पे रखा है, मैंने उस पर सेट करना भूल गया था, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मारना, लेकिन मार के दिखाता हूँ मैं फिर से यार यहाँ पे, भाई एक मिनट खड़े हो जाए यहाँ, दो मिनट ये, अरे यार यहाँ पे कोने में खड़ा है ना, इसको मारते हैं, अरे फिर बच गया, क्या हो रहा है यार, बॉम्ब आगे निकल लो यहाँ से, इनको मारते गाइस, जैसे यहाँ पे आए ये मारा, अच्छा इसका भी सेम ही यूज है गाइस,
जो फर्स्ट वाला इमोट था वो सेकंड वाले इमोट का बिल्कुल कॉपी है, लेकिन दोनों जो यार वो ज़्यादा पे टू विन टाइप लग रहे हैं यार। ये अगर टेम्प्ररी आए तो ठीक है, लेकिन यार परमानेंट आ गए ना तो जिसके पास नहीं है उसका तो यार गेम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो एक ही बार में यार बंदा ही खत्म हो जा रहा है। तो गाइस बस यही है इस न्यू अपडेट में। और हाँ, गेम प्ले अभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यार स्टंबल गाइस में कुछ हैकिंग की दिक्कत हो चुकी है उनके सर्वर पे, तो मेरा अकाउंट है वो लॉग इन ही नहीं हो रहा है पीसी में, इसलिए अभी गेम प्ले आ नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही सॉल्व हो जाता है इनका इश्यू मैं लॉग इन करके जरूर गेम प्ले लाऊंगा गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे स्टंबल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले स्टंबल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।